अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू योर लची बात चैट शो। अब हम लोग बाकी के टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। हम लोग जो कवर कर रहे हैं अपनी BT401 के टॉपिक्स, ठीक है। सो लेट्स कवर। हमने कर लिए हैं 53 टॉपिक्स कर लिए हैं। नहीं सॉरी, 55 टॉपिक्स हमने पढ़ लिए और अब हम चलेंगे अपने 56 टॉपिक की तरफ, ठीक है। क्योंकि 55 पर लाइट चली गई थी इसीलिए मैंने कंप्लीट नहीं की, और 56 वाला टॉपिक निकाल लेंगे और उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसको जो है वो निकाल लेते हैं और इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एक्सटिंक्ट प्लांट स्पीशीज टॉपिक नंबर 56। एक्सटिंक्ट प्लांट टू और एक्सटिंक्ट प्लांट वन हमने पढ़ लिया था 55 वाला। अभी 56 में टू है, वही कंटिन्यू हो रहा है। सिजिलेरिया, द सिजिलेरिया ट्री इज वन यू वुड प्रोबेबली फाइंड स्ट्रेंज टुडे। इट्स अ ट्री दैट डजंट रिप्रोड्यूस वाय सीड्स लाइक टुडे डेसिडुअस एंड कोनिफेरस ट्रीज डू। इट वॉज अ स्पोर बियरिंग ट्री लाइक प्लांट दैट फ्लरिश्ड इन द लेट कार्बोनिफेरस पीरियड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में अराउ कैरियोक्सिलोन एरिजोनिकम, ठीक है। द ट्री लिव्ड ड्यूरिंग द ट्रायसिक पीरियड व्हेन एरिजोना वाज डेंस ट्रॉपिकल एरिया अनलाइक द डेजर्ट दैट इट इज टुडे। दे बिकेम एक्सटिंक्ट बिटवीन 200 एंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। दे कुड ग्रो एज टॉल एज 60 मीटर्स, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। सेंट हेलेना ओलिव, द ट्री बिकेम इंक्रीजिंगली रेयर इन द 19th सेंचुरी व्हेन ओनली 12 to 15 स्पेसिमेंस वर रिकॉर्डेड ऑन द आइलैंड। द फाइनल वाइल्ड स्पेसिमेन डाइड इन 1994 व्हाइल द लास्ट इन कल्टीवेशन डाइड इन 2003, ठीक है। आगे चलते हैं। वुड्स साइकेड, ठीक है। वुड साइकेड इज एंडेमिक टू द ऑन गोई फॉरेस्ट ऑफ क्वाज़ुलू नेटल साउथ अफ्रीका। ओनली अ क्लस्टर ऑफ 4 स्पेसिमेंस वॉज एवर फाउंड 1995 एंड दैट नंबर फेल टू अ सिंगल 3 meter हाई ट्री इन 1960। इट वॉज दैट ईयर दैट ट्री was removed and sent to the government botanist in Pretoria where it later did in 1964। मेरे ख्याल में यहाँ पर डाइड होगा। आगे चलते। फ्रैंकलिनिया also became extinct during the era of man, though much less recently। The last known sighting of Franklinia is in its native range was in 1803. ठीक है। सियानिया सुपरबा इज अ रेयर प्लांट दैट मच लाइक द काइकेड अबव इज एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बट इज स्टिल कल्टिवेटेड इन कैप्टिविटी। The date of its extinction is complicated as different subspecies of the plant became extinct at varying dates between 1932 and 2002. ठीक है, तो हमारा हो गया है ये काम कंप्लीट। आई मीन ये वाली जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अगले चलते हैं। हम लोग 56 वाला हमारा हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं 57। साउन में है थ्रेटन्ड प्लांट वन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। वो एक्सटिंक्ट प्लांट्स हैं, अभी थ्रेटन्ड प्लांट्स उससे थोड़ा लोअर लेवल हो गए हैं, मतलब ये जिंदा हैं
कुछ स्पेशल इसकी उसकी तो चिंता भी नहीं। ठीक है, हम लोग चल लेते हैं जनाब आगे। और थ्रेटन प्लांट में हमारे पास है थ्रेटन स्पीशीज। थ्रेटन स्पीशीज आर मैन आर एनी स्पीशीज इंक्लूडिंग एनिमल्स प्लांट्स फंजाई एटसेट्रा विच आर वल्नरेबल टू एंडेंजरमेंट इन द नियर फ्यूचर। स्पीशीज दैट आर थ्रेटन्ड आर सम समटाइम्स कैरेक्टराइज्ड बाय द पॉपुलेशन डायनामिक्स मेजर ऑफ क्रिटिकल डिस्पेंसेशन आर मैथमेटिकल मेजर ऑफ बायोमास रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके बाद है अमेरिकन हार्ट्स टंग फर्न। ठीक है, अपीयरेंस हार्ट्स टंग फर्न इज अ रेयर ट्रीट फॉर द आइज। इट इज सो ग्रीन ग्लोसी एंड लार्ज दैट इट डिफाइज रियलिटी। ठीक है, ओके, हैबिटेट दिस वन इज फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद आउटक्रॉप्स ऑफ डोलोमिटिक लाइमस्टोन इन इन कोलीज जॉर्जिस एंड इन कूल लाइमस्टोन सिंक होल्स इन मेच्योर हार्डवुड फॉरेस्ट। ठीक है, वाई इट्स थ्रेटन्ड क्वारिंग रिक्रिएशन एंड रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हैव ऑल डिस्ट्रॉयड दीज प्लांट्स एंड देयर हैबिटेट। कैनेडियन पॉपुलेशन आर थ्रेटन्ड बाय लंबरिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑफ फॉर स्काई रिजॉर्ट्स एंड कंट्री एस्टेट्स अमंग अदर एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं ड्वार्फ लेक इरिस। अपियरेंस ड्वार्फ लेक इज मिनिएचर इरिस विद शोई डीप ब्लू फ्लावर्स। ठीक है, हैबिटेट अकरेंस करिंग क्लोज टू ग्रेट लेक्स शोर लाइन्स इन कूल मोस्ट लेक शोर। ठीक है, लेक शोर एयर ड्वार्फ लेक इरिस इज फाउंड ऑन सैंड और इन थिन सोइल ओवर लाइमस्टोन रिच ग्रेवल और बेडरॉक। ठीक है, व्हाई इज द ड्वार्फ लेक इरिस थ्रेटन्ड। हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन कलेक्शन रिकवरी प्लान इन प्रोसेस। ठीक है, आगे चलते हैं ईस्टर्न प्रेरी फ्रिंज्ड ऑर्चिड। अपीयरेंस इसके क्या है, दिस प्लांट इज 8 to 14 inches टॉल एंड हैज एन अपराइट लीफी स्टेम विद अ फ्लावर क्लस्टर कॉल्ड एन इनफ्लोरेसेंस का 3 to 8 inch लेंस शेप्ड लीव्स। ठीक है, लीव्स शीथ द स्टेम। ठीक है, शीथ का मतलब कवर कर रहे हैं स्टेम को। ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। हैबिटेट रिक्वायरमेंट्स द ईस्टर्न प्रेरी फ्रिंज्ड ऑर्चिड अकर्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स फ्रॉम मेसिक प्रेरी टू वेटलैंड्स सच एज सेज मीटोस मार्श एजेस इवन बॉग्स। इट रिक्वायर्स फुल सन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ एंड फ्लावरिंग एंड अ ग्रासी हैबिटेट विद लिटल और नो वुडी इंक्रोचमेंट। ठीक है, वाई इज द ईस्टर्न प्रेरी फ्रिंज्ड ऑर्चिड थ्रेटन्ड। हिस्टोरिक डिक्लाइन करेंट डिक्लाइन रिकवरी प्लान इन सेप्टेम्बर 1999 रिकवरी प्लान वॉज कम्प्लीटेड बाई द US। ठीक है, उसके बाद है फैसेट्स लोकोवीड। ठीक है, अपियरेंस है फैसेट लोकोवीड इज अ 4 to 12 inch टॉल पेरिनियल हर्ब ऑफ द पी फैमिली। इट अपियर्स लाइवरी ग्रे इन कलर बिकॉज ऑफ वाइट सिल्की हेयर्स दैट कवर मोस्ट ऑफ द प्लांट। हैबिटेट में क्या जगह, फैसेट्स लोकोवीड ग्रोज ऑन जेंटल सैंड ग्रेवल शोर लाइन स्लोप्स अराउंड शैलो लेक्स फेड बाय ग्राउंड वाटर सीपेज। दीज लेक्स आर सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट लार्ज फ्लक्चुएशंस इन वाटर लेवल्स। वाई इज द फैसेट्स लोकोवीड थ्रेटन्ड, हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन रिकवरी प्लान द US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस प्रिपेयर्ड अ रिकवरी प्लान दैट डिस्क्राइब्स एक्शंस नीडेड टू हेल्प दिस प्लांट सर्वाइव। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हॉटन्स गोल्डन रॉड। ठीक है, अपीयरेंस में आ गया हॉटन्स गोल्डन रॉड इज अ शोई गोल्डन रॉड फाउंड ओनली ऑन द नॉर्दर्न ग्रेट लेक्स शोर लाइन ऑफ लेक्स ह्यूरॉन एंड मिचिगन
इट इज थ्रेटन्ड बाय लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू इंक्रीज्ड ह्यूमन एक्टिविटी. शोर लाइन एरियाज हैबिटेट हैबिटेट में आ गया है. हुटन्स गोल्डन रोड टिपिकली ग्रोज ऑन मोस्ट सैंडी रीचेस सॉरी सैंडी बीचेस एंड शैलो डिप्रेशंस बिटवीन लो एंड लो सैंड रीचेस अलोंग द शोर लाइन. दिस हैबिटेट इज कॉल्ड इंटरड्यूनल वेटलैंड. ठीक है. वाई इज द हॉटन्स गोल्डन रोड थ्रेटन्ड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रोड मेंटेनेंस एक्टिविटीज. सही हो गया. ठीक है, तो हो चुका है ये टॉपिक भी हमारा डन अल्हम्दुलिल्लाह. चलते हैं अपने टॉपिक नंबर 58 की तरफ. 58 पर जा करके इसका नाम है थ्रेटन्ड प्लांट 2. ठीक है, इसको कर लेते हैं ओपन, फिर इसको उनको पढ़ लेंगे. ठीक है, सो इसको कर लेते हैं क्रॉस एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ पर थ्रेटन्ड प्लांट्स. ठीक है, लेक साइड डेजी अपियरेंस अ स्मॉल हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट इन द एस्टर फैमिली. द लेक साइड डेजी प्रोड्यूसेस डेजी लाइक फ्लावर्स कंसिस्टिंग ऑफ ब्राइट येलो रे फ्लोरेट्स एंड गोल्डन येलो डिस्क फ्लोरेट्स फ्लोरेट्स. लेक साइड डेजी हैबिटेट लेक साइड डेजी इज टिपिकली फाउंड इन ड्राई रॉकी प्रेरी ग्रासलैंड ओवर लाइमस्टोन इन एरियाज कैरेक्टराइज बाय अ थिन सोइल लेयर. ऑल्दो इट इज ऑल्सो नोन occur on limestone or dolomite cliffs near the lake Huron shore. Why is the lakeside daisy threatened? Habitat destruction, collection, recovery plan, recovery strategies have been developed for the conservation of the lakeside daisy in the United States. ठीक है, उसके बाद northern wild monkshood sorry. ठीक है, आगे चलते हैं. अपियरेंस है नॉर्थन मॉन्क्सवुड इज नोटेड फॉर इट्स वेरी डिस्टिंक्टिव ब्लू हुड शेप्ड फ्लावर्स. ठीक है, हैबिटेट नॉर्थन मॉन्क्सवुड इज टिपिकली फाउंड ऑन शेडेड टू पार्शली शेडेड क्लिफ्स ऑन कूल स्ट्रीम साइड्स. दीज एरियाज हैव कूल सोइल कंडीशंस. ठीक है, वाई इज द नॉर्थन मॉन्क्सवुड थ्रेटन्ड हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन कलेक्शन और रिकवरी प्लान. द यू एस फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस हैज डेवलप्ड अ रिकवरी प्लान दैट डिस्क्राइब्स एक्शन नीडेड टू हेल्प द प्लांट सर्वाइव. पिक्चर्स थिसल अपीयरेंस द पिक्चर्स थिसल ग्रोस 4-5 to 8 years बिफोर इट फ्लावर्स. इट्स नॉन फ्लावरिंग फॉर्म इज अ रोजेट और क्लस्टर ऑफ स्लाइवरी लीव्स एंड इट्स फ्लावरिंग फॉर्म टिपिकली हैज वन स्टेम विद मैनी ब्रांचेस. ठीक है, हैबिटेट पिचर्स थिसल ग्रोस ऑन द ओपन सैंड ड्यून्स एंड लो ओपन बीच रिजेस ऑफ द ग्रेट लेक शोर्स. ठीक है, वाई इज द पिचर्स थिसल थ्रेटन्ड. शोर लाइन डेवलपमेंट रोड मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन शोर लाइन रिक्रिएशन एक्टिविटीज प्रोजेक्ट प्लानिंग इन एरियाज वेयर द पिक्चर्स थिसल इज फाउंड इट इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर फेडरली फंडेड और ऑथोराइज प्रोजेक्ट सच एज मेरीना डिवेलपमेंट एंड रोड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, उसके बाद है प्रेरी बुश क्लोवर. ठीक है, अपीयरेंस द शोई पिंक फ्लावर्स ऑफ प्रेरी बुश क्लोवर आर लेस ऑफन सीन देन द सिल्वरी ग्रीन पॉड्स बिकॉज ऑफ द प्लांट्स शॉर्ट ब्लूमिंग सीजन एंड इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस पॉड्स डायरेक्टली फ्रॉम फ्लावर्स दैट नेवर ओपन. ठीक है, हैबिटेट ट्राई टू मेसिक प्रेरीज विद ग्रेवली सोइल्स. How is prairie bush clover threatened? Conversion of pasture to cropland, overgrazing, agricultural expansion, herbicide application, urban expansion, rock quarrying, and transportation right of way, maintenance and rerouting. सही, so done हो गया जनाब ये. वो सुबह चलते हैं हम लोग आगे आगे हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर है. लेसन नंबर 59 क्रायो प्रे
conservation is important, different methodologies for conservation. What is cryopreservation? Why preservation is important? Until 2 decades ago, the genetic resources were getting depleted owing to the continuous depredation by man. It was imperative, therefore, that many of the elite, economically important and endangered species are preserved to make them available when needed. Many methodologies have been devised for long-term preservation of material. ठीक है, उसके बाद है methodologies. There are various methods of storage. Cryopreservation generally involves storage in liquid nitrogen. Cold storage, it involves storage in low and non-freezing temperature, low pressure. It involves partially reducing the atmospheric pressure of surrounding. Low oxygen storage, it involves reducing the oxygen level but maintaining the pressure. ठीक है, cryopreservation के बाद cryopreservation में है. Cryo is Greek word, cryos, first, or it literally means preservation in frozen state. It is a process where tissues, organelles, cells, extracellular matrix, organs, or any other biological constructs susceptible to damage caused by unregulated chemical kinetics are preserved by cooling to very low temperature, typically 80 degrees Celsius, using solid carbon dioxide or minus 196 degrees Celsius using liquid nitrogen. ठीक है, objective. The objective of cryopreservation is to minimize damage to biological materials including tissues, mammalian cells, bacteria, fungi, plant cells and viruses during low temperature freezing and storage. सही हो गया. सो cryopreservation can be done at over solid carbon dioxide at minus 79 degrees, low temperature deep freezer at minus 80 degrees, in vapor phase nitrogen at minus 150 degrees, in liquid nitrogen at minus 196 degrees. Freezable tissues examples include some salmon cryopreservation, blood, special cells for transfusion, stem cells. It is optimal to high concentration of synthetic serum, stepwise equilibration and slow cooling, umbilical cord blood, tissue samples like tumors and histological cross section. ठीक है, freezable tissues इसी में है. eggs, oocytes, in oocyte cryopreservation embryos at the cleavage stage that are 2, 4, or 8 cells, or at blastocyst stage in embryo cryopreservation. Ovarian tissue in ovarian or tissue cryopreservation, plant seeds or shoots may be cryopreserved for conservation purposes. So ये हो गया है done. अब हम चलते हैं अपने next topic की तरह, जो है topic number 60, techniques of cryopreservation. ठीक है, इसको रहते हम download, और download करने के बाद में हम लोग इसको कर लेंगे. ठीक है जनाब, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग. hope for the best and ये हो जाए जल्दी से, तो फिर हम लोग इसको भी पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे. हम लोग यहाँ पर आप देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने लेक्चर जो है वो खुल गया. अच्छा, 61 लेक्चर भी खुल रहा है. ठीक है ठीक है, जहाँ तक खुलेगा ना हम वहाँ तक ही इसको पढ़ लेंगे. ठीक है, मसला बात है कि अभी तक इसमें हमने 60 लेक्चर्स मतलब 5 लेक्चर खुल गए ना अभी. 55 से स्टार्ट किया था, देखते हैं कहाँ तक खुलता है ये. 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 2 3 4 5 6 7 8 9
कल परसों, तो उसमें तो इसके 60 लेक्चर्स ही शो हो रहे हैं। ठीक है, देखते हैं हम आगे, चलें इसको भी पढ़ लेते हैं। सो क्रिप्टो प्रिजर्वेशन टेक्निक ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, सॉरी क्रिप्टो बोल रही हूँ, क्रायो प्रिजर्वेशन इज टू मिनिमाइज डैमेज टू बायोलॉजिकल मटीरियल्स इंक्लूडिंग टिश्यूज, मेमेलियन सेल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट सेल्स एंड वायरसेस ड्यूरिंग लो टेम्परेचर फ्रीजिंग एंड स्टोरेज। ठीक है, क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, द क्रायो प्रोटेक्टेंट इज द सब्सटेंस यूज टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल टिश्यू फ्रॉम फ्रीजिंग डैमेज ड्यू टू आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल इंटेग्रिटी कैन रप्चर्ड। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स आर यूजुअली एंटी फ्रीज कंपाउंड। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट्स, मेम्ब्रेन परमिटेंट विच कैन फ्रीली डिफ्यूज द मेम्ब्रेन सच एज ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड डायमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। नॉन मेम्ब्रेन परमिटिंग विच कैन नॉट परमिएट द सेल मेम्ब्रेन सच एज शुगर्स। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक स्लो फ्रीजिंग एंड थॉनिंग एंड थॉइंग, रैपिड फ्रीजिंग एंड थॉइंग, विट्रिफिकेशन और अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद स्लो फ्रीजिंग स्लो थॉइंग। अच्छा, स्लो फ्रीजिंग स्लो थॉइंग विद दिस मेथड ऑर्गन्स आर लेबल्ड इन टू वायल्स आफ्टर इक्विलिब्रेशन विद अ क्रायो प्रोटेक्टेड सोल्यूशन एंड देन कूल्ड एट रेट ऑफ 0.5 to 2 degrees centigrade पर मिनट डाउन टू -1 degree centigrade। सीटिंग इज देन इंड्यूस्ड एंड अ होल्डिंग पीरियड ऑफ 5 to 15 minutes अलाउज इक्विलिब्रियम ऑफ द टेम्परेचर। देयर आफ्टर एम्ब्रियोज आर कूल्ड टू -60 degree centigrade और लोअर एट अ रेट ऑफ 0.3 to 0.5 degree centigrade पर मिनट बिफोर बींग ट्रांसफर्ड टू लिक्विड नाइट्रोजन। फ्रोजन एम्ब्रियोज मस्ट बी स्लोली थॉड एट अ रेट ऑफ लेस देन 25 degree centigrade पर मिनट टू प्रिवेंट ऑस्मोटिक शॉक। ठीक है, रैपिड कूलिंग एंड रैपिड थॉइंग इन दिस टेक्निक हाउएवर कूलिंग इज टर्मिनेटेड एट 30 to -40 degree centigrade एंड एम्ब्रियोज आर देन प्लंप्ड इन टू लिक्विड नाइट्रोजन फॉर रैपिड कूलिंग टू -196 degree centigrade। थॉइंग इज देयरफॉर परफॉर्म रैपिडली टू 200 to 500 degree centigrade पर मिनट टू प्रिवेंट रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, विट्रिफिकेशन, विट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग वेयर द वाटर इन द टिश्यूज बिकम्स ग्लास रादर देन क्रिस्टल्स। ग्लास इज अ लिक्विड दैट इज टू कोल्ड टू विस्कस टू फ्लो इन अदर वर्ड्स विट्रिफिकेशन सॉलिडिफिकेशन ड्यू टू इंक्रीज विस्कोसिटी रादर देन क्रिस्टलाइजेशन। ओके, अल्ट्रा रैपिड फ्रीजिंग इन दिस टेक्निक सीरियल इक्विलिब्रियम ऑफ एम्ब्रियोज इन हाई कंसेंट्रेशन ऑफ DMOs DMSO 3 to 5 months मंथ्स होगा मेरे ख्याल में, सप्लीमेंटेड विद सुक्रोज, नहीं मंथ्स नहीं मोलर है शायद। ठीक है, 0.3 to 0.5 molars। ठीक है, द एम्ब्रियोज आर देन प्लंप्ड इन टू लिक्विड नाइट्रोजन। थॉइंग इज देन डन विद वार्म वाटर बाथ अप्रोक्सीमेटली 500 degree centigrade पर मिनट। स्लो फ्रीजिंग विट्रिफिकेशन डैमेज ड्यू टू आइस फॉर्मेशन यस नो। स्पीड ऑफ फ्रीजिंग 0.3 degree centigrade 23,000 degree centigrade पर मिनट। अमाउंट ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेड लो हाई, सेल सर्वाइवल लो हाई, प्रोसीजर सिंपल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग कलेक्शन, रूम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटेक्टेड क्रायोटोप और -196 degree centigrade। जानोगे सेल क्रायो प्रिजर्वेशन अ प्रोसेस फ्लो चार्ट सेल कलेक्ट एंड कंसनट्रेट सेल्स री सस्पेंड सेल पैलेट इन कोल्ड क्रायोस्टार कंट्रोल्ड कूलिंग एट -1 degree centigrade